दीपावली पर्व के अवसर पर नगर निगम द्वारा विकास दीपोत्सव मेला का आयोजन नगर निगम परिसर में किया गया। गुरुवार से लेकर 4 नवंबर तक चलने वाले दीपावली मेले का उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक शीतल पांडे, विधायक विपिन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, परियोजना निदेशक डूडा विकास सिंह सहित अन्य पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर सहित अन्य अतिथियों ने मेले का अवलोकन किया और दुकानों से खरीदारी भी की। गौरतलब है कि नगर निगम परिसर में 4 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में महिला स्वयं सहायता समूह, पथ विक्रेता भी अपना स्टॉल लगाए हैं। मेले में ODOP में शामिल टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट से जुड़े उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, गोबर के दिए व अन्य उत्पादों के स्टॉल भी मौजूद हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ऐसे उठा के हमारी तरफ को दिखाना है। पांडे जी आप उधर आ जाइए, एक गाल खरीद लीजिए। ठीक है, कितने का है? 2 दो दे देना, दो डॉलर दे। ठीक है, अच्छा ये देसी गाय के गोबर से डिजाइनर दिए हैं, ये खाटू श्याम है, बालाजी है, सब देसी गाय से बने, देसी गाय के गोबर से बने हुए हैं, बोल दीजिए गोधन से बने, पंचगव से बना हुआ है। दीपावली भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और विशेषकर भारत के लोग दीपावली के दिन स्वच्छता पर पूरा ध्यान देते हैं और मोदी जोगी जी ने जो देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद 75वां साल पूरा होने पर विकास उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा, उसी उद्देश्य से जो गरीब महिलाएं हैं, ODOP है और हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम द्वारा उसका प्रदर्शन और बिक्री की व्यवस्था की गई है, जिससे कि गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ये मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक अनूठा प्रयास है कि हम लोकल को ही वोकल बनाएंगे और इस पर हमारे देश की गरीब जनता तक आमदनी पहुंचेगी और हमारा देश हर चीज़ के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। ये महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत और उनकी आय बढ़ाने के लिए ये हमारे केंद्र सरकार और राज्य का मिला जुला एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ावें, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें। हमारी सरकार ने 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके लिए मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से हमारे साथ दो विधायक यहाँ पर शीतल पांडे जी और विपिन सिंह जी हैं और हमारे नगर आयुक्त साहब हैं और नगर निगम के हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। महिलाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए हम लोग सरकार मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ये काम कर रहे हैं, इससे यहाँ के गरीब महिलाओं को बहुत ही लाभ होगा
और आर्थिक रूप से वो मजबूत होगी।